Then Sri Vijay Goel. सभापति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। इसलिए मैंने बुलाया। गृह मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है, इसमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, जम्मू कश्मीर, नक्सलवाद, राजभाषा, बहुत सारे विभाग हैं। जाके काम भी बहुत बड़ा है, किंतु है भी बड़े सबल कंधों पे नए गृह मंत्री के ऊपर। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, रामायण में सभापति जी एक कहानी आती है, जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ले गए थे ताड़का का वध करने के लिए, तो रास्ते में जाते हुए उसने समझाना शुरू किया राम जी और लक्ष्मण को कि देखो, ये दशरथ तो तुम्हारे पिता हैं, ये राजमहलों में बैठे हुए हैं जी, और इनको पता नहीं है ये जितने जंगल हैं, ये जितनी टेरिटरी और जितनी सीमाएं हैं, ये सब तुम्हारे राज की सीमाएं थी, जिनके ऊपर धीरे 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 रावण के लोगों ने कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया है, अपने आतंकवाद को दिखा दिखा कर। उसी तरह से अध्यक्ष जी, पिछले 60 सालों के अंदर जो भी सरकारें रही हों, उनके ना ध्यान देने से इस देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और पता नहीं कितनी कितनी जगहों के ऊपर कब्जा हो गया। अरे भाई, 60 सालों में कह रहा हूँ, 7 घटा दो ना, उसमें से 67 हुए हैं अभी। 60 सालों में मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी सरकार का नाम नहीं लिया, वो सरकार का नाम लेना चाह रहे थे जाके। इन सालों के अंदर जितना आतंकवाद और नक्सलवाद बढ़ा, अभी गुलाम नबी जी के पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे सरकार का इकबाल होना चाहिए जी। वो 60 सालों के अंदर कांग्रेस का इकबाल कहाँ था, मैं पूछना चाहता हूँ जी। वो कह रहे थे कि इकबाल पीएस लगाने में मत देखो कि पीएस लगा सकते नहीं लग सकते, अगर इकबाल लगाना था तो आपने आतंकवाद को रोकने के लिए लगाना था, इकबाल लगाना था तो जम्मू कश्मीर में जहाँ से आप आते हैं वहां आपने लगाना था कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ती रही और हम रोक नहीं पाए थे। इकबाल लगाना था तो नॉर्थ ईस्ट में लगाते आप, जहां पर विभिन्न राज्यों के अंदर ऐसे ऐसे जगहें बन गई हैं जहां पर पुलिस और आर्मी आज घुस भी नहीं सकती है। अध्यक्ष जी, मैं एक स्टैंडिंग कमेटी के अंदर गया था मेघालय के अंदर, एक व्यापारी के घर गया, उसने दोनों दरवाजे बंद किए, मुझे अंदर बुलाया और कहने लगा कि यहां पर एक्सटॉर्शन बहुत है, एक्सटॉर्शन बहुत है। तो मैंने कहा कैसे मांगते हैं, कहने लगे ये लेटर पैड है, इस लेटर पैड के ऊपर मांगते हैं कि 2 लाख रुपए अभी दे जाओ और हर महीने 1-1 लाख की किस्त बनवाते हैं। इस तरीके से खुला था, यही त्रिपुरा के अंदर देखा और यही हमने दूसरे राज्यों के अंदर देखा। मैं अध्यक्ष जी कहता हूं, इनको इकबाल लगाना था, देश लुट गया, नक्सलवाद आतंकवाद के अंदर फंस गया, हिंसाएं होने लगी, सांप्रदायिक दंगे हो गए, तब इन सरकारों का दायित्व बनता था। सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं, इन सब को रोकने के लिए जिन आदमियों को सबसे ज्यादा सुविधाएं देनी चाहिए थी, जिनका सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था, मैं उन लोगों की बात करने आज जा रहा हूं जी। हमने देखा है कि हमारे इस मंत्रालय के अंतर्गत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स और वगैरह वगैरह बहुत सारी फोर्सेस हैं, पर इन फोर्सेस के ऊपर आज ध्यान नहीं दिया जा रहा। जाके वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो जो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स है, वो चाइनीज बॉर्डर पर चाइना से लगी सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनके हालात बहुत खराब है। मैं गृह मंत्री जी को कहना चाहता हूँ, पिछले सालों के अंदर जो लोग 15,000 की फीट के ऊपर भी हाइट पर काम कर रहे हैं, उनको वो सुविधाएं नहीं है। सभापति जी, इन फोर्सेस का लगभग वही काम है, कम से कम मैं ये कह सकता हूं, जिसके अंदर बीएसएफ, तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स और सीआरपीएफ और दूसरी फोर्स हैं, जो कि आर्मी की फोर्सेस हैं, किंतु आर्मी के मुकाबले इन लोगों को सुविधाएं बहुत कम दी गई हैं जी। सभापति जी, ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स काम करती है पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगे हुए बॉर्डरों के ऊपर, वहाँ पर पानी नहीं है, बिजली की कमी है, टेलीफोन की सुविधा नहीं है, और सबसे बड़ी बात है, इनको अपनी लोनली लाइफ बितानी पड़ती है, फैमिलियाँ इनके पास नहीं है, छुट्टियाँ इनको मिलती नहीं, छुट्टी मांगते हैं तो इनको छुट्टी देने में ही बहुत कम समय मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूँ, और समय समय पर पाकिस्तान बॉर्डर से फायरिंग हो सकती है, होती रहती है, इन लोगों को ये सारी सुविधाएँ दी जानी चाहिए। अभी भी आजकल के अंदर 2 जवान मरे हैं। इसी तरीके से इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स है, इनको भी जाड़ों से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए हम कपड़े तो देते हैं, पर उनकी क्वालिटी इन्फीरियर क्वालिटी है आर्मी के जवानों से की। ये फ्रीज हो जाते हैं और राशन मनी भी इनकी फौज के मुकाबले बहुत कम है।
सभापति जी, मैं दिल्ली से आता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो फोर्सेस हैं इनमें अब डिमोरलाइजेशन है, इनमें अब आत्महत्याएं हो रही हैं और इनमें से बहुत से लोग हैं जो 20 साल की पूरी सर्विस करने से पहले ही उसको छोड़ देते हैं, जिससे कि फौज को भी, इन फोर्सेस को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। सभापति जी, अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो जिस तरीके से अभी दिल्ली के अंदर ही डकैती जो थी वो 32 अब 58 हो गई है जी, इस साल, पिछले साल 32 थी। मर्डर 621 से 656 हो गए हैं और रेप के केसेस में भी बढ़ोतरी हुई है। मेरा ये कहना ये है, आज जो दिल्ली पुलिस का जवान है उसके पास किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। मैं गृह मंत्री जी को कहना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस को सुविधाएं देनी बहुत आवश्यक है। आए दिन बलात्कार, हत्या, चोरी, फिरौती, कार चोरी, लूटपाट, बच्चों का अपहरण, ये सब पुलिस को रोकना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपराधियों में भय नहीं है और वो नई सरकार आने के ऊपर मैं समझता हूँ कि इतनी शक्ति होनी चाहिए कि जनता में पुलिस का भय खत्म हो और अपराधियों के अंदर पुलिस का भय होना चाहिए। सभापति जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस समय दिल्ली पुलिस का एक सिपाही काम करे तो काम करे कैसे जाके जी, हमें उनसे अपेक्षाएं बहुत हैं किंतु उनको सुविधाएं बहुत कम हैं। दिल्ली में 87,000 की पुलिस फोर्स है, आपको जानकर आश्चर्य होगा इसमें से 10% लोग मानसिक रोग से पीड़ित हैं जो कि ठीक तरह से काम नहीं कर पाते और बहुत से लोगों ने तो आत्महत्या की है। अपराधियों के पास तेज वाहन है, हमारे पास जो वाहन थे, मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, अब तो जिप्सी बदलकर दूसरे वाहन आ गए हैं, किंतु हमारे पास पहले बरसों तक घसीपटी जिप्सी रही। हमारे पास रॉयल एनफील्ड थी जिसको पतला सिपाही हमारा खड़ा भी नहीं कर सकता था, किंतु अभी दोबारा से एक अच्छी इन्होंने दी है मोटरसाइकिल, तो मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। आपको जान के आश्चर्य होगा, आज भी हवलदार को साइकिल का अलाउंस मिलता है, वो भी 20 रुपये प्रति माह, और उसके पास अगर अपनी मोटरसाइकिल भी हो तब भी उसको 20 रुपये साइकिल का अलाउंस मिल रहा है। आज जिनके पास कार भी है उनको मोटरसाइकिल का अलाउंस मिल रहा है और वो भी 150 रुपया महीना, जिसके अंदर सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल आता है। और आज भी सरकारी यूनिफॉर्म ऐसी मिलती है जिसको कि पहनने का मन नहीं करता। अब ये दिल्ली पुलिस के लोग, ये फोर्सेस के लोग खुद अनुशासन होने के कारण, अनुशासित फोर्स होने के कारण खुद तो कह नहीं सकते, तो मैं समझता हूँ सदन में मैं उनका मामला इसलिए उठा रहा हूँ ताकि सरकार को इनके ऊपर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। आज भी 87,000 पुलिसमैनों पर 5% भी मकान नहीं है और इसके लिए उनके लोग परिवार जो हैं दिल्ली से बाहर रहते हैं, और जब वो दिल्ली से बाहर रहते हैं तो आप समझिए हम दिवाली, होली, रक्षाबंधन सब त्यौहार मनाते हैं और ये जो पुलिस वाले हैं ये 24-24 घंटे ड्यूटीज के ऊपर रहते हैं, इनको छुट्टियां नहीं मिलती है, ये छुट्टी नहीं कर सकते। और जब 8 घंटे की जगह आदमी 24 घंटे ड्यूटी करेगा तो अध्यक्ष जी अपना वो खर्चा भी पूरा करता है, तब हम कहते हैं कि पुलिस भ्रष्ट है, किंतु पुलिस को भ्रष्टाचार को रोकना है तो उनके ड्यूटी आवर्स के अंदर कमी होना चाहिए जी। किराया बेसिक सैलरी का सिर्फ 15% है और एक सब इंस्पेक्टर को किराए के नाम पर सिर्फ 2,000 रुपये मिलते हैं। राशन मनी केवल 1,500 रुपये महीने मिलती है किंतु ये 24 घंटे काम करते हैं। अध्यक्ष जी, जैसा मैंने आपको कहा, इनकी छुट्टियाँ बिल्कुल ना के बराबर हैं और इनकी छवि ऐसे बना रखी है मानो कि सारे के सारे लोग पुलिस के अंदर भ्रष्ट हों। मैं अध्यक्ष जी ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ये जितनी भी फोर्सेस हैं और जितनी भी पुलिस है जो हमारे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मुझे पूरा विश्वास है अब एक ऐसे गृह मंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं कि जिन इन फोर्सेस का भी ध्यान रखेंगे। एक मैं और मुद्दे के ऊपर ध्यान दिलाना चाहता हूँ और वह मुद्दा यह है कि पूरे विश्व में कोई भी जहाँ जहाँ भी हिंदू रहता है, उन हिंदुओं के जब वहाँ से वो तंग आ जाए, जब उसके ऊपर अट्रॉसिटीज़ हो जाए, जब उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं हो, तो उसके पास सिर्फ एक ही देश बसता है और वो भारत देश है जहाँ पर कि वो आ सकता है। किंतु पिछले दिनों के अंदर ये जाति जाति सरकार 500 रुपये की जो फीस थी, जो कि सिटीजनशिप के लिए थी, उसको बढ़ाकर 20 गुना बढ़ा करके गई है और उसकी फीस 10,000 रुपये गई है, 10,000 रुपये हो गई है। इसलिए सभापति जी, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। पहला हमने 2003 के अंदर ये कहा था कि हम कैंप लगाकर इन लोगों को सिटीजनशिप देंगे, किंतु अभी पिछले सालों के अंदर इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है
और 200 गुना इनका फीस बढ़ा दिया गया है। एक एक परिवार 15-15 जनों के साथ जब मजबूरी के अंदर आता है तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से वो अपना लालन पालन और किस तरह से यहाँ पर कर पाएगा, क्योंकि उसको यहाँ नौकरी भी कोई नहीं मिलती है। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर, देश के अंदर, खास तौर से आसाम के अंदर, सभी जगह के ऊपर जो अवैध घुसपैठ हो रही है, वो बड़ी संख्या के अंदर अवैध घुसपैठ हो रही है। उस समय कहा गया था कि एक नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप बनाया जाएगा। मैं जानना चाहूँगा कि वो जो आसाम के अंदर शुरुआत हुई थी, वो किस कारणों से वो बंद हो गया। पिछली सरकार वोट बैंक पॉलिटिक्स में काम करती थी, इसलिए उनका किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं थी कि इन लोगों को आइडेंटिफाई कर कर वापस भेजा जाए। किंतु ये जब सरकार आई है, मैं समझता हूँ कि वो इस ओर ध्यान देगी, क्योंकि अवैध रूप से बड़ी संख्या के अंदर 2-5 करोड़ लोग इस भारत देश के अंदर रह रहे हैं, जिसके अंदर जगह जगह पर इनकी डेमोग्राफी क्षेत्र की जो है बिल्कुल बदल गई है, संस्कृति बदल गई है, कल्चर बदल गया है। और इसके लिए जरूरी है कि जितने भी लोग जो अवैध घुसपैठ से रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, उनको जल्द से जल्द ये सरकार बाहर करे, उनको आइडेंटिफाई करे। यही मैं कहना चाहता हूँ। आपने मुझे पूरा समय दिया, इसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।